गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल स्टडी अ न्यू चैप्टर, द ट्रॉपिकल हॉट वेट फॉरेस्ट्स. स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रॉपिकल जोन में मौजूद फॉरेस्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना. ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? हॉट वेट. यहाँ पे गर्मी भी खूब पड़ती है इसलिए हॉट, और बारिश भी खूब होती है इसलिए वेट. तो हॉट ट्रॉपिकल हॉट वेट फॉरेस्ट, और इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया है डीआर कांगो का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, जो कि एक ट्रॉपिकल जोन में है. इक्विलेटरल रीजन इज द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर. इक्विलेटरल रीजन क्या होता है? तो इक्विलेटरल रीजन हम उस रीजन को कहते हैं जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, है ना. ग्लोब पे जो इक्वेटर है इसके आसपास का जो एरिया है ना, वो क्या हो गया? इक्विलेटरल रीजन. इट इज लोकेटेड रफली बिटवीन 5 degrees north and 5 degrees south ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर से 5 degrees north and 5 degrees south ये जो रीजन है ना, इक्विलेटरल रीजन होता है. इट इज़ फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट. ये डेंस फॉरेस्ट से भरा हुआ, यानी काफ़ी घने जंगल यहाँ पे मौजूद हैं. द क्लाइमेट हेयर इज़ वार्म एंड वेट. यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? वार्म एंड वेट, यानी बहुत गर्म भी होती, गर्मी भी बहुत होती है और बारिश भी खूब होती है. दिस रीजन इंक्लूड्स द अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, कांगो बेसिन ऑफ अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया लाइक इंडोनेशिया एंड मलेशिया. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस हॉट वेट लैंड. इस इक्विलेटरल रीजन में साउथ अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन और कुछ साउथ एशिया के पार्ट्स होते हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना. तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, हम लोग स्टडी करेंगे रिपब्लिक ऑफ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो. शॉर्ट में हम लोग इसे कहते हैं डीआर कांगो, है ना. ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हॉट वेट लैंड का. तो आइए हम लोग चलते हैं डीआर कांगो. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वॉज अर्लियर नोन एज ज़ाइर. इस जगह को, इस कंट्री को पहले, ये देखिए आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये आपका पूरा अफ्रीका है और अफ्रीका में ये एक जगह है डी आर कांगो, और इसी को मैग्नीफाई करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है. तो इसका ओल्ड नेम क्या था? ज़ाइर. इट इज़ अ कंट्री इन द अफ्रीकन कंटिनेंट. ये आपका अफ्रीकन कंटिनेंट में ये कंट्री मौजूद है. इट वॉज कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ ज़ाइर बिटवीन 27th October 1971 and 17th May 1997. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका. यह अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है और इसकी कैपिटल है किनशासा. लैंड एंड लोकेशन. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और सिंपली इसे हम डी आर कॉन्गो कहते हैं, लाइज इन द इक्विलेटरल रीजन. ये इक्विलेटरल रीजन में मौजूद है, मतलब इक्वेटर के पास का एरिया है ये, ठीक है. वेयर हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होता है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है. बींग नियर द इक्वेटर, चूंकि यह इक्वेटर के काफ़ी पास है, नॉर्दर्न डी आर कॉन्गो इज कवर्ड कवर्ड बाई द वर्ल्ड थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो चूंकि यह इक्वेटर के पास है ना, इस वजह से यहाँ पे जो नॉर्दर्न डीआर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये वर्ल्ड के सबसे घने, थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट, और घने जंगलों से घिरा हुआ है. द ट्रीज इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल. इस एरियाज में जो ट्री होते हैं ना, वो काफ़ी टॉल होते हैं, फॉर्म अ कैनोपी, और एक काफ़ी बड़ी सी कैनोपी बनाते हैं. कैनोपी मतलब जैसे अगर कोई ट्री है ना, तो ये जो इसका फैलाव होता है ना, इसे हम कैनोपी कहते हैं. ये जो आपका है, ये इसका जो एरिया ये कवर कर रहा है टॉप पे, उसे हम कैनोपी कहते हैं. दस प्रिवेंटिंग द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड. देयरफॉर डी आर कॉन्गो इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस. यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो काफ़ी डेंस हैं, काफ़ी टॉल हैं, और इतने अधिक डेंस हैं ना कि वो सनलाइट को जो है ग्राउंड पे पहुँचने नहीं देते. मतलब इतने घने जंगल है ना,
कि सनलाइट जो है ज़मीन पे नहीं पहुंच पाती है, इसलिए जो ये फॉरेस्ट है ना ये बिल्कुल दिन में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ डार्कनेस कहते हैं। DR कॉन्गो इज सराउंडेड बाय 9 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इसके चारों ओर 9 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान इन द नॉर्थ, युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी एंड तंजानिया इन द ईस्ट, जाम्बिया एंड अंगोला इन द साउथ, अनदर कंट्री हैविंग अ सिमिलर नेम रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन द वेस्ट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो ऑक्यूपाइज द हार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन विच इज अ वास्ट लो लाइंग एरिया सराउंडेड बाई द माउंटेन्स ऑन थ्री साइड्स। जो DR कॉन्गो है इज द हार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन या कॉन्गो बेसिन के हार्ट में है, विच इज अ वास्ट लो लाइंग एरिया, ये काफ़ी लो लाइंग एरिया है ना, सराउंडेड बाई माउंटेन्स ऑन थ्री साइड, इसके तीन ओर जो है ये तीन ओर से माउंटेन से घिरा हुआ है। द वेंजोरी माउंटेन्स आर लोकेटेड टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, माउंट मार्गेरिटा इज द हाइएस्ट पीक इन दिस माउंटेन्स। क्लाइमेट की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, यह इक्वेटर के पास है, देयरफॉर इट हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर। द मॉर्निंग्स ऑफ DR कॉन्गो आर हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ की जो मॉर्निंग होती है सुबह जो होती है वो काफ़ी हॉट और ह्यूमिड होती है। द टेम्परेचर राइजेज स्टीडली, और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, मतलब मॉर्निंग में ही यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है बढ़ने लगता है। बाई द नून, और दोपहर तक क्या होता है डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड बाई द आफ्टरनून, और दोपहर होते होते जो है घने बादल छा जाते हैं, एंड बाई द आफ्टरनून इट यूजुअली रेन्स, और दोपहर होते होते यहाँ पे बारिश, दोपहर के बाद जो है यहाँ पे बारिश हो जाती है। द एनुअल रेनफॉल हियर इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, यहाँ जो एनुअल रेनफॉल है ये 200 सेंटीमीटर है। द एवरेज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। द इवनिंग्स आर क्विट प्लीजेंट, इवनिंग जो है यहाँ की काफ़ी प्लीजेंट होती है, एंड द नाइट्स आर कूल, और रातें ठंडी होती है। द डेज एंड नाइट्स इन DR कॉन्गो आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, यहाँ पे दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो करीब करीब इक्वल होता है। तो क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ पे मॉर्निंग काफ़ी हॉट और ह्यूमिड होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, नून तक यहाँ पे डार्क क्लाउड्स कवर हो जाते हैं, है ना, और आफ्टरनून यहाँ पर बारिश हो जाती है, और बारिश होने के बाद जो इवनिंग काफ़ी प्लीजेंट होती है, और नाइट्स भी जो है रातें ठंडी होती है। वेजिटेशन, सनलाइट एंड रेन आर द मेन नेचुरल रिसोर्स दैट हेल्प द प्लांट्स ऑफ दिस रीजन टू ग्रो फास्टर, तो यहाँ सनलाइट भी काफ़ी है और रेन भी अच्छी होती है, और यही वजह है कि यहाँ पर प्लांट्स जो है काफ़ी तेजी से ग्रो करते हैं, है ना। ड्यू टू इट्स हॉट वेट क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे हॉट वेट क्लाइमेट है और दोनों जरूरी है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, DR कॉन्गो हैज़ बोथ दीज रिसोर्सेज, और यहाँ पर ये दोनों रिसोर्सेज हैं, है ना, हॉट भी है, हॉटनेस भी है और वेट भी है, सो इट हैज़ डेंस फॉरेस्ट, इसलिए यहाँ पर घने जंगल होते हैं जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मीडियम साइज ट्रीज हैज़ ग्रोज अप टू अ हाइट ऑफ 15 to 30 meters, यहाँ पे जो मीडियम साइज ट्रीज हैं उनकी भी हाइट 15 to 30 meters होती है। सम ट्रीज आर वेरी टॉल राइजिंग अप टू द हाइट ऑफ 60 meters, कुछ तो ट्रीज जो होते हैं ना वो 60 meters हाइट तक होते हैं। सम ट्रीज इन DR कॉन्गो आर इंटरलॉकिंग ट्रीज, कुछ कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो इंटरलॉकिंग ट्रीज होते हैं, दे ज्वाइंट टुगेदर एट द टॉप, मतलब वो ऊपर जाने के बाद क्या होते हैं दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, जैसे इस तरह से अगर एक ट्री यहाँ पे है, एक ट्री यहाँ पे है, इसकी कैनोपी और इसकी कैनोपी दोनों, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे इंटरलॉकिंग ट्रीज। तो ये दो यहाँ पे दो ट्रीज हैं लेकिन ऊपर जा कर के ये दोनों क्या हो गए हैं जुड़ गए हैं, इसलिए इन ट्रीज को हम क्या बोलेंगे इंटरलॉकिंग ट्रीज। दे ज्वाइन टुगेदर एट द टॉप, देयर इज अ थिक अंडरग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, तो वेजिटेशन का अंडरग्रोथ भी काफ़ी घना होता है, मतलब जमीन पे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी काफ़ी घने होते हैं। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है बिकॉज
ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। तो इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जंगलों में जो ट्रीज होते हैं ना वो अपनी लीव्स को पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते, इसलिए इसमें हमेशा हरियाली बनी रहती है। द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल एज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। इन जंगलों में जो ट्रीज होते हैं ना वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, इसलिए यूजफुल होते हैं एज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये जंगल जो है ना इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। द ट्रीज इंक्लूड महोगनी, इन ट्रीज में महोगनी, एबोनी, रेडवुड, रोजवुड, टीक, रबर, बम्बू, कोकोनट एंड ऑयल पाम्स, इन चीज़ों के पेड़ जो है होते हैं। फूड एंड क्रॉप्स इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अल्दाउ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। पीपल ग्रो फूड स्टफ, जस्ट इनफ टू मीट देयर नीड्स, यहाँ के लोग जो खेती करते हैं तो वो फूड स्टफ उगाते हैं, जो खाने का सामान उगाते हैं ना वो जस्ट इनफ टू मीट देयर नीड्स, वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, मतलब जो भी लोग खेती करते हैं ना वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। मेनी पीपल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, बहुत सारे लोग वहाँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी करते हैं, ठीक है। बाय क्लीनिंग अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड, शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है कि एक फॉरेस्ट लैंड के हिस्से को पहले साफ कर दिया जाता है। दे ग्रो क्रॉप्स इन दैट एरिया, वहाँ पे वो लोग खेती करते हैं फॉर टू और थ्री इयर्स बिफोर मूविंग टू अनदर फॉरेस्ट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और दो तीन साल तक वहाँ पर खेती करते हैं, और जब दो तीन साल के बाद जब जगह की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर उस जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह चले जाते हैं, है ना। इट इज़ मेनली डन बिकॉज द सॉइल लॉसेज इट्स फर्टिलिटी वेरी शोर। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है कि जंगल के किसी हिस्से को वो लोग पहले काट करके या जला करके साफ कर देते हैं और फिर उस जगह पर खेती करते हैं। दो तीन साल रेगुलर जब वहाँ पर खेती होती है तो उस वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है ना, और तब वो उस जगह को छोड़ देते हैं और फिर किसी और जगह जा करके खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जगह बदल बदल कर खेती करना शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहलाता है, ठीक है। द स्टैपल फूड इज कसावा, उनकी जो स्टैपल फूड है मुख्य भोजन वो क्या है, कसावा है। द कसावा प्लांट हैज़ लॉन्ग फ्लैसी रूट, कसावा प्लांट में काफ़ी लॉन्ग फ्लैसी रूट होती है, मतलब जो उसकी रूट्स होती है काफ़ी फ्लैसी होती है ना, जैसे आप वो मूली को देखते होंगे, है ना, उसकी भी रूट्स काफ़ी फ्लैसी होती है, उसको हम लोग फूड के रूप में यूज़ करते हैं, तो कसावा भी उसी तरह होता है। फ्लोर इज मेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, इस प्लांट के रूट से फ्लोर आटा बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड, और उसी से फिर रोटी बनाई जाती है। देखिए ये आपका कसावा प्लांट है ना, इसकी रूट्स जो है देख रहे हैं आप काफ़ी फ्लैसी है, और इस रूट्स को क्रश करके क्या बनाया जाता है, फ्लोर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, फिर उसे रोटियां बनती है। सम पीपल इन डीआर कॉन्गो हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, कॉन्गो में बहुत सारे लोगों ने अब फार्मिंग की मॉडर्न मेथड भी यूज करनी शुरू कर दी है। नाउ दे ऑल्सो ग्रो मेज, अब वे लोग मेज, राइस, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट, शुगर केन, पाम, कॉटन, कॉफ़ी, रबर, मिलेट्स, इन चीज़ों की भी खेती करना शुरू कर दी है। लम्बरिंग इज अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के लोगों का एक और ऑक्यूपेशन है लम्बरिंग। लम्बरिंग में क्या होता है ना कि दे कट ट्रीज एंड दे सेल टिम्बर, वे लोग पेड़ों को काट देते हैं, काट करके फिर उसके टिम्बर्स को सेल करते हैं। द हार्ड वुड ऑब्टेंड फ्रॉम दिस ट्रीज इज इवन एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, यहाँ के जंगलों से जो हार्ड वुड निकलते हैं उन लकड़ियों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो यहाँ मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है और सेकंड ऑक्यूपेशन लम्बरिंग होता है, जिसमें लोग पेड़ों को काटते हैं, काट करके उसके टिम्बर निकालते हैं, फिर टिम्बर को कुछ जो हार्ड वुड है टिम्बर है उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगर हम यहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो कॉन्गो हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइफ, यहाँ क्योंकि जंगल यहाँ पर बहुत अधिक है ना, बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, इसलिए एनिमल्स भी यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इन कॉन्गो इंक्लूड्स मंकीज, एप्स, चिंपांजीज, बैबून्स, गोरिल्लास,
स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटामस, पिथंस, राइनोसोरस, एलिफेंट्स, एंटीलोप्स, टाइगर्स, लॉयंस, जगुआर, लेपर्ड्स, वाइल्ड बफेलोज, हियानास एंड ज़ेब्रास। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर देन इंडियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स जो होते हैं वो इंडियन एलिफेंट्स से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। द ओकापी अ रेयर काइंड ऑफ जिराफ, वहाँ पे एक जिराफ है जो काफ़ी रेयर काइंड है ना। एंड द कॉन्गो पीकॉक आर फाउंड ओनली इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो एक ओकापी जो कि एक जिराफ की प्रजाति है, और कॉन्गो पीकॉक जो कि कॉन्गो में ही पाई जाती है। द टशी टशी फ्लाई विच स्प्रिड स्लीपिंग सिकनेस अ डेंजरस डिजीज इज ऑल्सो फाउंड। यहाँ पर एक मक्खी पाई जाती है यहाँ के जंगलों में, जिनको हम टशी टशी मक्खी कहते हैं। और जब ये मक्खी काट लेती है ना, तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, मतलब आदमी सोता ही रहता है, ठीक है। कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो मक्खी है ये काफ़ी डेंजरस है, और ये जो है कॉन्गो के जंगलों में पाई जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि यहाँ कई तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज ऑफन कॉल्ड द गिगेंटिक जू, इसलिए इसे बहुत बड़ा चिड़ियाघर है ना के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट डे कॉन्गो में भी बहुत कुछ बाकी है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ के मिनरल्स रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, कॉन्गो की इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में क्या डेवलपमेंट्स हुआ है ना। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।